नमस्ते दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर महाराष्ट्र में खासकर रक्षाबंधन के लिए नारियल के चावल बनाते हैं, तो आज मैं आपको नारियल के चावल कैसे बनते हैं ये दिखाने वाली हूँ। अभी मेरी रंगोली भी तैयार हो चुकी है रक्षाबंधन के लिए, तो चलो मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। नारियल के चावल बनाने के लिए ये एक कटोरा चावल लिया है मैंने, एक कटोरा नारियल और एक कटोरा गुल, और ये जायफल की पाउडर है, ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स, ये खड़ा मसाला है, दालचीनी, इलायची और ब्लैक पेपर है, और ये थोड़ा सा 2 टेबलस्पून घी लिया है मैंने। तो चलो आगे की प्रोसीजर देखते हैं। पहले ये चावल हम धोकर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए धोकर ले लीजिए। 1 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच ये जो खड़ा मसाला है वो इसमें डाल दीजिए। फिर खड़ा मसाले के बाद ये जो चावल हमने धोकर ले लिए हैं वो इसमें डाल दीजिए। एक 2 मिनट के लिए ये चावल घी में थोड़ा भून कर ले लीजिए। फिर इसमें ये जो नारियल है ये नारियल भी उसमें ऐड कर दीजिए। और फिर इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह मिलाकर ले लीजिए। ये मीठे नारियल के चावल है, फिर भी इसमें एक आधा चम्मच साल्ट डालना मत भूलिए। ये देखिए 1/2 चम्मच ही डालिए उसमें। फिर उसके बाद ये जो उबला हुआ पानी है वो उसमें डाल दीजिए। आपने जितना एक कटोरा चावल लिया है तो 2 कटोरा पानी डाल दीजिए उसमें। अभी ये कुकर को बंद कर दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए और ये इसके 2 विसल निकाल कर ले लीजिए। 2 सीटी में ये बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें गुड़ डालूँगी। अब ये 2 सीटी देने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा राइस पक चुका है, तो अब मैं इसमें ये देख सकते हो आप 2 सीटियों के बाद ये पक चुका है, तो अब मैं इसमें ये गुड़ डालूँगी 1 कटोरा और फिर इसको अच्छी तरह से मिलाकर ले लीजिए गुड़ डालकर, और 1-3 मिनट के लिए ये ढक्कन बंद करके कुकर को ऐसे ही ये गुल के साथ इस राइस को पकने के लिए छोड़ दीजिए। 1-2 मिनट के लिए इसको बंद करके 2 मिनट तक रख दीजिए। ये आप देख सकते हो ये मैंने 2 मिनट बाद जो पूरा गुल इसमें मेल्ट हो चुका है
और ये हमारा राइस बन चुका है। ये मेरे नारियल के चावल अब बन चुके हैं। मैंने ऊपर से थोड़ी जायफल की पाउडर और ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़रूर बताइए ये खास रक्षाबंधन स्पेशल नारियल के चावल आपको कैसे लगे।